नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष कुमार। आप देख रहे हैं इसके टेरिस एंड गार्डन टिप्स। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने चैनल पे जो है गार्डनिंग का वीडियो बनाता हूं और गार्डनिंग से संबंधित आपको टिप्स देता हूं कि गार्डनिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास शहर में है, आपके पास ज़मीन नहीं है, सिर्फ छत है, अगर घर है आपके पास, तो ऑर्गेनिक जो है वेजिटेबल बहुत ही आसानी से अपने छत पर लगा सकते हैं और पूरा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप भी स्वस्थ रहें और औरों को भी स्वस्थ रखें। तो आइए बताते हैं कि इस तरह से हमने अपने गार्डन में क्या क्या लगा रखा है जिससे हमें ढेर सारी सब्जियां अपने छत पर ही मिल जाती हैं। कभी भी कोई सब्ज़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका छत अगर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो और अच्छी तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। हमारा सब थोड़ा छोटा है इसलिए नज़दीक ही अपने पौधे लगाता हूँ, लेकिन फिर भी आप जो है हर सीज़न के पौधे, जैसे इस समय जो है आप नए प्लांट लगा सकते हैं, टमाटर के, बैंगन के, मूली के, गाजर के, और जो है लहसुन, धनिया, मिर्चा, ये सब इस समय चल रहा है, अभी लगा लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग मिलेगी और रोज़ आपको सब्जियां खाने को मिल जाएंगी। जैसे देखिए, मैं इस समय ये बैंगन तोड़ रहा हूँ। ये हमारे बैंगन में जो है सिर्फ दो प्लांट में से ही इतने सारे बैंगन निकले और जो हम छोटे छोटे जो बैंगन छोड़ दिए हैं वो हमें दो दिन बाद फिर तोड़ने को मिलेंगे। अभी देखिए इस प्लांट में जो बाद भी ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे अभी बैंगन बहुत सारे लगे हुए हैं। तो इन बैंगन भी दो दिन में तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा आप इसमें खाद दे दें, सारे फूल, अगर आपके पास खाद उपलब्ध नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बैंगन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बताता हूँ जिससे आपको खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा तरीका है, बैंगन तोड़ने को मिल जाएंगे, मैं बता दूंगा बहुत सारे। जो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो दिखाते हैं सबसे पहले मिल क्या क्या लगाया है जिससे आपको जानकारी है। सबसे पहले हम ले सकते हैं तो आइए जानते हैं कि इसमें हम जो फ्री के फर्टिलाइजर डालते हैं वो क्या चीज है। तोड़ दिया दोस्तों, हमारे किचन में तो बहुत सारे जो है रोज सब्जियां बनती है, उन सब्जियों के सारे टुकड़ों को एक तरह से जो है पोटली में, सूती कपड़े के पोटली में बांध के जो है किसी पॉट में रख दाल बची नहीं, उसके बाद उन सब्जियों में जो जूस निकालेंगे रात भर में जो उसमें तत्व निकलेंगे वो अपने गार्डन में डालते रहिए तो किसी भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से सारे वेजिटेबल होते रहेंगे। एक प्लांट में जो हफ्ते में एक बार ही दें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है इस तरह वो जो है तेज खाद बनती है उसके पानी में, तोड़ देनी तो है। हर प्लांट में रोज जो है दो से तीन प्लांट में अभर जो पानी इकट्ठा करें उसको रख दें और उसको डालते रहें। तो इस तरह से अगर करते हैं तो आपको कोई भी जो है खाद खरीदने की जरूरत नहीं है। बस मिट्टी थोड़ी अच्छी हो जाए उतना काफ़ी है। तो मिट्टी अगर आपके पास अगल बगल कहीं पेड़ है, कहीं पेड़ जो पत्तियां गिरती हैं, सड़ती हैं, कोई उठाता नहीं, वहीं सड़ जाती हैं, वहाँ की मिट्टी अगर लेते हैं तो वो जो है बहुत ही फर्टिलाइज युक्त होती है। वहाँ की मिट्टी में बहुत सारे तत्व होते हैं खासतौर से न्यूट्रिशन से भरे हुए, तो वैसी मिट्टी लाते हैं। तो खाली डालने की जरूरत नहीं है, साल से दो साल तक बहुत सारे डालते रहे। जैसे देखिए उसी तरह का मेहनत गमला बनाया, अपना ग्रो बैग खाली किया है, तो इसमें जितने हमारे गार्डन की पत्तियां होती हैं वेस्ट नहीं जाते हैं, उन पत्तियों को इसमें डालते जाते हैं। जैसे ही चार से पाँच इंच की पत्तियां हो जाए तो इसमें फिर मिट्टी डाल दें, फिर किचन वेस्ट डालें और फिर मिट्टी डाल दें। इस तरह से करते करते ये गमला भर जाएगा बहुत ही कम मिट्टी में। और ये गमले में जो भी प्लांट लगाएंगे, जैसे बड़े प्लांट लगा सकते हैं लौकी वगैरह के, तो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। जैसे देखिए मेरा संतरा का प्लांट है, ग्रोथ करने के लिए छोड़ दिया, इसको हमने सिंपल सा मिट्टी में लगाया है क्योंकि फ्रूट के प्लांट जो है ज़्यादा खाद वाली मिट्टी में लगाएंगे तो शुरू में खराब हो जाएंगे। हाँ, बड़े हो जाते हैं तो अब जो है उसमें खाद वगैरह वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन गोबर की खाद डायरेक्ट कभी ना डालें नहीं तो आपका प्लांट मर जाएगा। ये पिछले साल हमें फल दिया था मिट्टी में छोटे छोटे, लेकिन हमने दो से तीन फल ही रखे, इसकी मिट्टी देखिए कितनी पोषण युक्त पानी होने से, और उसके बाद बाकी फलों को हमने तोड़ दिया था ताकि पौधा बड़ा हो जाए। इस समय देखिए इसका प्लांट का जो देखिए हमने अब कुछ मोटा हो चुका है, इस तरह से ये देखिए हमने जो लगाया था
लहसुन दो से तीन दिन इसको में पहले से पानी मिट्टी में मिला दिए थे और उसके बाद जो है एक दिन बाद लगा कारण है तो दूसरे दिन ही ये जर्मिनेट हो गया। हम पहले ही नम इसी तरह से एक और पार्ट हमारा है पानी डाल के छोड़ दिए मिट्टी भरे उसमें बुआई की और लहसुन लगाए उसके बाद पानी डाले उसमें जो है दो ही जर्मिनेशन रेट और धीमा है और एक हालांकि वो भी जर्मिनेट हो जाएगा इसको हमने तुरंत लगेगा देखिए जैसे इसमें उसके बाद उसी के साथ लगाए थे तो अब जाके इसमें अभी ये जमा नहीं है अब थोड़ा थोड़ा जम रहा है जबकि दूसरे वाले पॉट में नमी हमने बनाया था नम बना कर पहले ही हो गया और उसमें लहसुन लगाए थे कितना वो जल्दी से जर्मिनेट हो गया धीरे है। तो इसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग कर लेंगे। मैं हूं सुभाष वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों को शेयर ना करना भूल गए हमें कमेंट करके।